हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल स्टे होम। तो ये वाली कुर्ती आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखी होगी, तो आप देख सकते हो कि वाली कुर्ती पहनकर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कितनी ज़्यादा एलिगेंट ये लग रही है। तो ये वाली कुर्ती ऐसी है, आप इसको सिंगल भी पहन सकते हो और आप इसको किसी और कलर की लेगिंग्स या फिर प्लाजो या फिर पैंट के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये जीन्स के साथ भी अच्छी तरीके से जाएगी, तो ये मल्टीपर्पज़ कुर्ती है, आप कैसे भी इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने अमेजोन से कुर्ता सेट आया था मस्टर्ड कलर का, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके बारे में। तो ये वाला जो कुर्ता है ये मैंने अमेजोन से लिया था। वैसे तो मैंने ज़्यादातर कुर्तीज मीशो से ली थी, बट ये अफोर्डेबल था। ये पूरा सेट मैंने लिया था, पूरा सेट कहने का मतलब कि इसके साथ पैंट थी, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। तो ये वाला कुर्ता आप देख सकते हो, ये वाला कुर्ता कैसा है। तो ये भी चोली कट में है, लेकिन ये शॉर्ट चोली वाला पैटर्न नहीं है जो मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में दिखाया था। इसका नॉर्मल वाला पैटर्न है, जितना यहाँ तक ब्लाउज का जितना होता है उतना इसका लेंथ है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब इसको फोटो में देख के ये वाला कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका जो फैब्रिक है वो क्रेप है और इसकी स्लीव्स में यहाँ पर ये एक डिज़ाइन गिवन है, यहाँ पर ये बो स्टाइल में, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, डोरी यहाँ पर गिवन है, बो स्टाइल में यहाँ पर अटैच कर रखी है ये। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसकी लगती है। सिंपल वाली जो स्लीव्स होती है वो पहन के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट कभी कभी होना चाहिए कुर्तीज़ में। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न इसके दिया हुआ है डोरी का, दूसरी तरफ भी सेम यही है। और जो इसकी लेंथ है वो 3/4 लेंथ है इसकी, स्लीव्स की 3/4 लेंथ है और नेक इसका राउंड है, आप देख सकते हो। जो ब्रांड नेम है वो नैन विश है और इसमें जो साइज मैंने ऑर्डर करा था ये एम है, तो ज़्यादातर मुझे एम साइज ही आता, लेकिन आपको अपना मेजरमेंट के हिसाब से ही साइज सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर मैं साइजेस जो है उनकी मेजरमेंट देखकर ही लेती हूँ, इस वजह से मेरा साइज कभी एस आता है कभी एम आता है। तो आप भी जब भी ऑर्डर करो तो वो पूरा मेजरमेंट देख के ही ऑर्डर करा करिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपको फिर वो वापस करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, और आपको अगर पहनना ही कल है फिर आपको रिटर्न करना है तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो पहले के पहले ही आप अपना मेजरमेंट देख कर ही चेक करके अच्छे से उसको ऑर्डर प्लेस करा करिए। तो ये इस वाली कुर्ती के बारे में मैंने आपको इसका नेक बता दिया है, बाकी जो इसका नीचे का पार्ट है, जो इसका फ्लेयर पार्ट है वो स्ट्रेट है, दोनों तरफ के इसके ओपन है, चाक जो है इसके ओपन है दोनों तरफ से, ये वो नहीं है मतलब बंद नहीं है, तो इसके दोनों तरफ ये वाला चाक गिवन है, इधर से भी ये दोनों तरफ से ही ओपन है, इधर भी और इधर भी। और नीचे से ये प्लेन है, पीछे से जो इसका बैक वाला पार्ट है वो भी प्लेन है, जैसे इसके आगे डिज़ाइन है वैसा पीछे नहीं है, सिर्फ इतने हिस्से में इसके डिज़ाइन है नेक के, और ये पूरा प्लेन है। तो जो इसका क्रेप का जो फैब्रिक है वो अच्छी वाली क्रेप का फैब्रिक है, वो जो अजीब सा आता है वो वाला फैब्रिक नहीं है, अच्छा वाला क्रेप है इसके। और इसका जो प्राइस है वो भी अफोर्डेबल है, मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है इसकी पैंट, पैंट में बताने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी पैंट है, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है और ये नैरो बॉटम्स है बस। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिना सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आगे जाके, हॉल्स वीडियोज़ और रिव्यूज़ और DIYs, तो मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने आगे अपकमिंग वीडियोज़ में, तो प्लीज़ मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, टेक केयर।